सिंगरौली में एनटीपीसी परियोजना निदेशक उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य का आगमन हुआ। उन्होंने विद्युत गृह के प्लांट प्रचलन प्रणालियों का बारीकी से निरीक्षण किया और साथ ही उच्च गुणवत्ता पूर्ण रख रखाव के लिए निर्देश भी दिए। सिंगरौली में एनटीपीसी परियोजना निदेशक उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य का आगमन हुआ। इस दौरान निदेशक ने एनटीपीसी सिंगरौली विद्युत गृह के प्लांट प्रचलन प्रणालियों का बारीकी से निरीक्षण किया और साथ ही उच्च गुणवत्ता पूर्ण रख रखाव के लिए विभिन्न निर्देश दिए। इसके बाद निदेशक ने एक उच्च स्तरीय बैठक में विद्युत विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की और साथ ही भारत सरकार की विद्युत प्राथमिकताओं के अनुसार गुणात्मक भावी कार्य योजनाओं के संबंध में उचित दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य ने कहा कि एनटीपीसी एक अनमोल धरोहर है जो कई वर्षों से विद्युत सेवा दे रहा है और आगे भी हमें ऐसे ही समर्पण भाव से लोगों की सेवा करनी है। साथ ही उन्होंने विद्युत यूनिट एक के 40 वर्षों से अधिक समय से विद्युत प्रचलित किए जाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी कर्मचारियों के कौशल और समर्पण की सराहना की। ये हमारा पहली इकाई है एनटीपीसी का, जो 13 फरवरी 1982 में कमीशन किया गया था। ये हमारा फ्लैगशिप है और आज भी फ्लैगशिप जैसा काम कर रहा है। हमने आके देखा, इस साल में अभी तक ये 90% का ऊपर चल रहा है पूरा प्रोजेक्ट। ये जो यूनिट वन अभी 206 मेगावाट जनरेशन कर रहा है, ये अमेजिंग और ये बड़े सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है हम सब लोगों के लिए। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हम लोग सारे प्रोजेक्ट्स और सारे स्टेशन मिलके खूब आगे बढ़े और खूब अच्छे करें, ताकि कंपनी को और ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।